सत श्री अकाल टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं नविता लैके हाजिर हाँ देश विदेश की अहम सरगर्मियां शुरुआत करते हैं पहली खबर के नाल। धरती की सतह का औसतन तापमान साल 2022 दे विच साल 2015 दे तापमान दे बराबर हो गया। साल 2022 नूं हुण तक दे पांचवें सब तो गर्म साल दे रूप दे विच दर्ज किया गया। यह दावा नैशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा दे एक विश्लेषक ने किया है। धरती की लंबी गर्मी दे विच वाधे दा रुख जारी रहने दरमियान साल 2022 विच ग्लोबल वार्मिंग 1.6 डिग्री फारनहाइट या 0.89 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया, जो नासा की आधार म्याद की औसत गर्मी तो ज्यादा है। नासा के न्यूयॉर्क स्थित गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़ के विज्ञानियों ने यह जानकारी दी है। नासा के प्रशासक बिन लैनसन ने कहा है कि गर्मी के वाधे का यह रुख एक चेतावनी है। नैलसन ने कहा है कि साड़ी गर्म होंदी जलवायु पहला तो खतरनाक पद्धर से पहुँच चुकी है। जंगलों के अग लगन घटनावां वध गई ने, समुद्री तूफान होर ज़्यादा ताकतवर हो गए ने, सोके नाल तबाही अते समुद्र दे विच पानी दा पद्धर भी वध रहा है। अमरीका के टैक्सास सूबे के यॉकम शहर के हवाई अड्डे से मंगलवार को एक छोटा जहाज हादसाग्रस्त हो गया, जिस कारण टेनेसी चर्च के 4 मैंबर की मौत हो गई और एक प्रमुख पादरी जख्मी हो गया। अधिकारियों और चर्च ने यह जानकारी दी है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार सिंगल इंजन वाला पाइपर PA-46 जहाज यॉकम विच स्थित एक हवाई अड्डे के दक्षण विच एक खुले मैदान दे विच क्रैश हो गया। यॉकम लगभग 6,000 लोगों की आबादी वाला एक छोटा जिहा शहर सैन एंटोनियो तो लगभग 160 किलोमीटर पूर्व दे विच स्थित है। टैक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी दे सार्जेंट रूबेन सैन सिगुएल ने दसिया है कि जहाज के सवार 5 लोगों चो एक जहाज चो बाहर निकलन दे विच कामयाब रहा ते उसनू विक्टोरिया दे एक हस्पताल दे विच लिजाया गया। विक्टोरिया शहर यॉकम तो लगभग 65 किलोमीटर दक्षण दे विच स्थित है। जर्मन टाउन दे मेम्फिस ओपन नगर विच स्थित हार्वेस्ट चर्च ने कहा है कि प्रेस बीटर केनन वॉन नू टैक्सास दे विच हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया सी ते उसकी हालत स्थिर दसी गई है। अमरीका के फ्लोरिडा दे विच मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे ते आयोजित समागम दे विच कोई गोलीबारी दे विच 8 लोग जख्मी हो गए, जिन्हां दे विचों एक दी हालत गंभीर है। WPBF-TV दी खबर मुताबक सेंट लूसी काउंटी शेरिफ दे दफ्तर ने पुष्टि की है कि सारे जख्मी बालक सन। यह गोलीबारी एलिस पार्क दे विच जो है मार्टिन लूथर किंग कार शो एंड फैमिली फन डे दौरान शाम 5:20 से हुई है। प्रोग्राम दे विच 1,000 तो वध लोग पहुंचे हुए सन। सेंट लूसी काउंटी दे डिप्टी शेरिफ ब्रायन हेस्टर ने कहा कि कई लोग जख्मी हुए हैं। मुढ़ली जांच दे विच सामने आया है कि किसी गल नूं लैके दो धिरां दे विच बहस हुई सी। बदकिस्मती दे नाल उन्होंने मामला सुलझाउण दे लई बंदूकां दा सहारा लिया। इस दौरान पुलिस ने दस्या कि जख्मियों दे विच एक बच्चे समेत 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले महीने की शुरुआत में चीन का दौरा करेंगे ते उन्होंने दौरे के वेरव्या काम किया जा रहा है। एक सरकारी बुलारे ने यह जानकारी दी है। विदेश विभाग के बुलारे नेड प्राइस ने बुधवार को अपनी रोजाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के कहा है कि जदों विदेश मंत्री बीजिंग का दौरा करेंगे तो उत्तरी कोरिया वालों इंडो पैसिफिक खेत्र उस तो बाहर चुनौतियां ते चर्चा के एजेंडे ते चर्चा होगी। प्राइस ने पत्रकारों को दसिया है कि विदेश मंत्री ने कहा है कि वह इस साल के शुरू के PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दौरा करेंगे। हुण जदों कि 2023 शुरू हो गया है, मैं उम्मीद करांगा कि विदेश मंत्री नूं अगले महीने बीजिंग का दौरा करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा है कि इस दौरे के वेरव्या काम किया जा रहा है। हालांकि ब्लिंकन के चीन दौरे दीआं तरीकां का अजे ऐलान नहीं किया गया, पर पोलिटिको की एक रिपोर्ट विच यह कहा गया है कि उन्होंने 5 अते 6 फरवरी नूं बीजिंग दे विच होण दी संभावना है।
कैनेडा जाने बारे सोच रहे भारतीय डॉक्टरों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, कैनेडा सरकार विदेशी डॉक्टरों के लिए अपने देश आने का रस्ता आसान कर जा रही है। कैनेडियन सरकार विदेशी पोस्ट ग्रैजुएट डॉक्टरों को प्रैक्टिस करन अते लाइसेंस देने की प्रक्रिया के बदलाव करने के लिए तैयार है। इसलिए खरड़ा भी तैयार कर लिया गया है। कैनेडा अपने नवे नियम के विदेशी माहिर डॉक्टरों के लिए प्रैक्टिस करन का तजर्बा घटा के 2 साल कर देगा, जबकि इस वेले यह 7 साल है। इना ही नहीं, लाइसेंस देने की प्रक्रिया भी मौजूदा समय के 5 साल के मुकाबले 3 महीने करन दी तजवीज़ दे विच है। दस दईए कि कैनेडा दे विच प्रैक्टिस करन दे इच्छुक भारतीय डॉक्टरों नूं इस नवे नियम का सब तो वध फायदा होगा। कैनेडियन एसोसीएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन हैरीटेज के अनुसार इस समय कैनेडा दे विच 8000 भारतीय डॉक्टर काम कर रहे हैं। सरल भाषा दे विच कहीए तां हर 10 डॉक्टरों दे विचों एक भारतीय है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन ने वीरवार को कहा है कि वह अपने अहुदे तो अस्तीफा दे रही है। नाम अखां दे नाल आर्डन ने नैपियर विच पत्रकारों को कहा कि 7 फरवरी प्रधानमंत्री वजों उन्हां दा आखिरी दिन होगा। उन्हां कहा कि मेरे कार्यकाल का 6वां साल शुरू होने वाला है, तो हर साल मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दिता है। उन्होंने ऐलान किया कि न्यूजीलैंड दीआं अगलियां आम चोणां 14 अक्तूबर होणगियां ते ओह उदों तक सांसद मैंबर वजो सेवा निभाउंदी रहेगी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने वीरवार को कहा है कि वह अपने अहुदे तो अस्तीफा दे रही है। नाम अखां दे नाल आर्डन ने नेपियर दे विच पत्रकारों को कहा है कि 7 फरवरी प्रधानमंत्री वजो उन्हां दा आखिरी दिन होगा। भारत समेत दुनिया भर तो बहुत सारे लोग हज उमरा अते सैर सपाटे दे लई सऊदी अरब जांदे ने। अजिहे लोगों के लिए सरकार ने वड्डा कदम चुकिया है। हुण सऊदी दे विच दाखल होने की प्रक्रिया नूं काफ़ी आसान कर दिता गया है। सऊदी ने घोषणा की है कि एयरलाइन तो फ्लाइट टिकट रखने वाले यात्रियों वध तो वध 4 दिन यानी कि 96 घंटे के लिए सऊदी अरब दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। इस दौरान वह हज और उमरा भी कर सकते हैं। खलीज टाइम्स ने सऊदी के बुलारे के हवाले के नाल कहा है कि जो यात्री जहाज़ दी टिकटा ऑनलाइन बुक करते हैं तो उन्होंने पूछा जाएगा कि उन्होंने वीजे की लड़ है या फिर नहीं। जेकर वह दसते हैं कि उन्होंने इसकी लड़ है तो उन्होंने एक फार्म भरना होगा जिस सिर्फ 3 मिनट लगनगे, पर टिकट लैन वाले सिर्फ 4 दिन सऊदी दे विच रुकण की इजाजत होगी। सऊदी के बुलारे अब्दुल्ला अल शाहरानी ने दसिया है कि टिकट बुक करते समय यात्री वीजा का विकल्प दिखाई देगा। जेकर यात्री हाँ विच जवाब दिता है तो वह वीजा प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय की वैबसाइट का सहारा ले बिना ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेगा। नवी सेवा देश के सारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध होगी। संयुक्त राष्ट्र वालों हुण तक पाकिस्तान आधारित जां पाकिस्तान दे नाल संबंधित करीब 150 अतवादी संगठनां अते व्यक्तियों के नाम काली सूची दे विच पाए जा चुके हैं, जिन्हां दे विचों नवीनतम नाम लश्कर ए तौयबा दे उप मुख अब्दुल रहमान मक्की दा है, जिसनों सुरक्षा परिषद की अलकायदा प्रतिबंध कमेटी ने अतवादी घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की 1267 दाइश ISIL और अलकायदा प्रतिबंध कमेटी ने सोमवार को 68 साल मक्की को घोषित अतवादियों की सूची में शामिल किया। इस सूची में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त कर उन्होंने यात्रा और हथियार संबंधी प्रतिबंध लगाने का प्रबंध है। इस भारत और उसके सहयोगी देश सालों तो कोशिश कर रहे सन। अलकायदा कमेटी की सूची अनुसार संयुक्त राष्ट्र वालों हुण तक काली सूची दे विच पाए गए लगभग 150 अतवादी संगठन अते व्यक्ति जां तां पाकिस्तान आधारित हन जां फिर देश दे विच उन्हां दे संबंध हन जां ओह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा खेतरां तों संचालित हुंदे ने। भारतीय क्रिकेट टीम दे नौजवान सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड दे खिलाफ पहले वनडे विच इतिहास रच दिता है। शुभमन गिल वनडे दे विच सब तो तेज 1000 दौड़ां बनाउण वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए ने। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली अते शिखर धवन दे रिकॉर्ड भी तोड़ दिते ने। गिल ने 87 गेंदां दे विच वनडे करियर दा 3वां सैकड़ा लगाया। उन्होंने अपनी पारी दे विच 14 चौके अते 2 छक्के लगाए। शुभमन गिल नूं 1000 दौड़ां बनाउण दे लई 19 पारियां दा सहारा लैणा पिया। इस तों पहलां भारत वल्लों विराट कोहली अते शिखर धवन ने इक्को 24 पारियां विच इह उपलब्धी हासिल कीती सी। तां गल करिए तां शुभमन गिल फकर जामन तो बाद सब तो तेज 1000 दौड़ां पूरियां करन वाले दुनिया के दूजे बल्लेबाज बन गए ने। सो फिलहाल इन्ना ही, फिर तो लैके हाजिर होवांगे देश विदेश दीआं होर ताज़ा खबरां। तद तक दे लई मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।